हेलो क्लास नाइन्थ, हम लोग आज 2C एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं और आपने सवाल लगाए होंगे। जिन्होंने लगाए ठीक है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लगाए वो सवालों को देखिए और समझिए। जितने हम क्वेश्चन कर सकते हैं उनको करेंगे, जो आपको करने कहेंगे उनको आपको करिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा बाय द एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर ऑफ व्हेन एक्स की पावर 4+1 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक्स माइनस 1 से डिवाइड। x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्वेश्चन चाहिए और रिमाइंडर चाहिए। एंड वेरीफाई द रिमाइंडर, और कह रहे हैं रिमाइंडर को वेरीफाई, रिमाइंडर जो है वो f1 के बराबर आ रहा है। ये कह रहे बराबर है, प्रूफ करके देखना। चलिए देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ यहाँ पे चार पावर के बाद कितनी पावर सब गायब है उनको देखिए ध्यान से, जरूरत पड़ने पर हमें काम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सब लिखेंगे यहाँ पे सारी पावर्स का फिल करेंगे। तो यहाँ पे 0 × x³ + 0 × x² + 0 × x, और फिर उसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट हुआ ऐसे लिखा जाए, इस तरह से लिख लिया फिर तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि चार पावर का टर्म तो ऐसे होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना दिया। अब क्या करते हैं, इसका फर्स्ट अपान इसका फर्स्ट किया, एक्स की पावर 4 में जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा, तो यहाँ एक्स क्यूब लिखा जाएगा। एक्स क्यूब का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्स की पावर 4 आएगी, एक्स क्यूब का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस एक्स क्यूब आएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसमें से इसको जब नीचे उतारेंगे तो एक्स क्यूब 0x² 0x+1। अब इसका फर्स्ट अपान इसका फर्स्ट करेंगे तो एक्स क्यूब अपान एक्स करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा सर, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, सबट्रैक्शन करेंगे माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, ये माइनस ये जुड़े जुड़ाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x+1। फिर इसका फर्स्ट अपान फिर फर्स्ट करेंगे एक्स स्क्वायर अपान एक्स करेंगे तो एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स लिख लिया, एक्स का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर, एक्स का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस का एक्स, सबट्रैक्शन करेंगे माइनस ए प्लस कट जाएगा, ये एक्स हो जाएगा प्लस का वन। अभी और डिवाइड हो रहा है कितनी बार, माइनस का सॉरी फर्स्ट अपान फर्स्ट एक्स अपान वन, एक बार और डिवाइड हो रहा है, एक कब हुआ इसके साथ तो एक्स आएगा, माइनस का वन आएगा, माइनस प्लस ही कट जाएगा, वैल्यू कितनी दे देगा 2 दे देगा। तो क्वेश्चन कितना हुआ आपसे पूछा कि फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया सर, रिमाइंडर 2 आया। अब करें प्रूव दैट F2 की वैल्यू F1 की वैल्यू, करें वेरीफाई रिमाइंडर F1 के बराबर है, रिमाइंडर और F1 आपस में बराबर है, तो आइए सब कुछ नहीं करना है, पुट तो इसको नाम जरा यहाँ ऊपर लिख दिया, पी एक्स कौन है, पी एक्स इज पी नाम दिया कि एफ नाम दिया, एफ नाम दिया है, एफ नाम दिया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4+1 और जी एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना था, एक्स माइनस 1 था। तो यहाँ पे पुट, अब एफ वन की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो एफ वन पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन एफ एक्स, एफ एक्स मेरा डीजिए, एफ वन की वैल्यू जरा देखिए कितनी आई, एफ वन इज इक्वल टू 1 की पावर 4+1, कितनी वैल्यू आई 1+1 इज इक्वल टू 2, और ये 2 रिमाइंडर के बराबर है कि नहीं, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, F1 बराबर रिमाइंडर, रिमाइंडर के बराबर होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट इट, विधिवत तरीके से इसको नोट किया जाए, विधिवत तरीके से इसको नोट करें। हो गया नोट, चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। विधिवत आप डिवीजन करने का प्रोसेस सीखिए बेटा, बहुत जरूरत पड़ेगी, बार बार आपको डिवीजन करना हम समझा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फ्रॉम फॉर पॉलीनोमियल px इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 6x³ + 2x² माइनस एक्स प्लस टू पी एक्स और क्यू एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू कितना है, जी एक्स इज इक्वल टू कितना है, x+1 x+2। ये पी एक्स और जी एक्स आपको दे दिया, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलीनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना, चलिए वो अलग बात है, पहले आप इसको डिवाइड करिए सीधे सीधे, जी एक्स से डिवाइड करना है पी एक्स को, यानी x+1 x+2 से डिवाइड करिए 2x की पावर 4 माइनस 6x³
प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसमें सारे टर्म थे तो कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छी बात रही। चार पावर, तीन पावर, दो पावर, एक पावर काम होते था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमने आराम से काम कर लिया। फर्स्ट अपॉन फर्स्ट किया, ये अपॉन ये करोगे टू एक्स क्यूब आएगा, टू एक्स क्यूब इंटू ये, तो टू एक्स की पावर फोर, और टू एक्स इंटू ये करेंगे तो फोर एक्स क्यूब आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस माइनस से कट जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। इसका फर्स्ट अपॉन फिर फर्स्ट करिए, हमेशा फर्स्ट अपॉन फर्स्ट करके देखा करो, वैल्यू मिल जाती है फाइव, फाइव में टेन, टेन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, टेन एक्स स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस टेन एक्स स्क्वायर, माइनस टेन एक्स स्क्वायर का इसके प्लस ट्वेंटी एक्स, माइनस माइनस ट्वेंटी एक्स, माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो, कट गया जुड़ गया, तो बाईस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस है प्लस टू। इसका फर्स्ट अपॉन फिर फर्स्ट करिए तो ट्वेंटी टू एक्स मिल जाएगा पॉजिटिव, ट्वेंटी टू एक्स का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन तो ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर, और बाईस में चवालीस एक्स प्लस टू, माइनस माइनस से कट गया तो माइनस पैंतालीस एक्स आ जाएगा प्लस टू। अब इसका फर्स्ट अपॉन फिर इसका फर्स्ट किया तो माइनस फोर्टी फाइव आ जाएगा, यहाँ पे फोर्टी फाइव लिखते, फोर्टी फाइव डिलीट किया, माइनस का पैंतालीस एक्स, और पैंतालीस गुना नब्बे, माइनस का नब्बे ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे प्लस होगा, ये प्लस होगा कट जाएगा, नाइनटी टू आ जाएगा। क्वेश्चन कितना मिला जिसको हम लोग क्यू एक्स बोलते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यू माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू एक्स माइनस फोर्टी फाइव, और आर एक्स क्या मिला हमारा रिमाइंडर जिसको बोलते हैं बानवे। अब आप इसको कह रहे हैं इसको वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई में क्या पढ़ाया गया आपको, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो आइए सर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। डिवाइजर को क्या बोलते हैं, जी एक्स बोलते हैं, और क्वेश्चन को क्यू एक्स बोला है, क्या बोला है क्यू एक्स, और इसको आर एक्स बोला है। वैल्यू रख दीजिए, जी एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स माइनस एक्स प्लस टू है, और ये कितना है हमारा टू एक्स क्यूब आया है, प्लस टेन एक्स स्क्वायर आया है, प्लस ट्वेंटी टू एक्स आया है, माइनस फोर्टी फाइव आया है, और रिमाइंडर कितना है नाइनटी टू। अब इसको कैलकुलेट करके लाना है, और वो किसके बराबर आना चाहिए, डिविडेंड यानी एक्स के पी एक्स के बराबर आना चाहिए। चलिए गुणा कराइए, ये टू ये कराइए, टू एक्स की पावर फोर माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइव एक्स, फिर दो का गुणा कराइए तो दो दूनी चार एक्स क्यूब प्लस माइनस बीस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाईस दूनी चवालीस प्लस चवालीस एक्स, और पैंतालीस गुना नब्बे, और प्लस ये बानवे। आप कैलकुलेट करिए क्या वैल्यू आएगी, टू एक्स की पावर फोर, ये और ये देखो घट जुड़ रहे हैं, तो माइनस का सिक्स एक्स क्यूब बनेगा, ये और ये देखो जुड़ घट रहे हैं, क्या बनेगा प्लस का टू एक्स स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल ये और देखो जुड़ घट रहे हैं, कितना बचेगा माइनस का एक्स बचेगा, और प्लस ये जुड़ घट रहे हैं टू बचेगा, देखिए आगे भाई पी एक्स आगे तो बिना गया। डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड के बराबर आएगा नहीं, इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, तो यानी क्या हो गया डिवीजन एल्गोरिथम इज, क्या लिखेंगे हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कर चुके हैं आप लोग, सर बड़े बड़े क्वेश्चन जरूर हैं, करने आनी चाहिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, नोट करिए अच्छे से, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ अब आइए सर, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, अब रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी सर, एक्चुअल डिवीजन की बात नहीं कर रहे, फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन पीएक्स इज डिवाइडेड बाय जीएक्स, अगर पीएक्स को जीएक्स से डिवाइड किया जाए तो आपको क्या चाहिए, तो आपको क्या चाहिए रिमाइंडर चाहिए। चलिए रिमाइंडर निकालिए, बहुत रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना बड़ा आसान काम बताया था हमने आपको, वो तो बहुत ही सरल होता है, कैसे करते हैं फिर से एक बार समझ लेंगे, सवाल भी समझते चलेंगे। हमको पीएक्स दे दिया गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, पीएक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री, ये पीएक्स है, और जीएक्स इज इक्वल टू हमारा कितना है एक्स माइनस वन है। हमको क्या चाहिए, हमको रिमाइंडर चाहिए, तो हम लोग क्या तरीका अपनाया था, जीरो किया एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो किया, तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू कितना है वन, तो पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू कितना वन इन पीएक्स, पीएक्स में रख दो, तो रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे वन, तो यहाँ क्या बनेगा पी वन, पी वन बोला जाएगा, रिमाइंडर कितना बोला जाएगा पी वन, वन का क्यूब सिक्स इंटू वन का स्क्वायर नाइन इंटू वन प्लस थ्री, कैलकुलेशन वन माइनस सिक्स प्लस नाइन प्लस थ्री, छ
6 3 12 6 9 9 9 3 12 12 13 से 6 चले गए, आंसर 7 आ गया, 7 स्क्वायर मीटर है सर, 7 स्क्वायर मीटर है। कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपली करना है। तीसरा नंबर ऐसे ही, अगला चौथा नंबर देखते हैं, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, हटाते जाएंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी उसको हटाते जाएंगे, लिखते चलेंगे। चलिए px क्या है, 2x क्यूब माइनस 7x² माइनस 7x² प्लस 9x माइनस 13 एंड gx इज x माइनस 3। तो भैया रिमाइंडर पे वही कहानी, किया x-3 x इक्वल टू कितना आ गया 3, तो पुट x इक्वल टू 3 इन px, px में रखेंगे तो रिमाइंडर इक्वल टू p3 आएगा। क्या नाम होगा उसका, p3, x के लिए रखते तो p3 नाम पड़ जाएगा। 2 इंटू 3 का क्यूब, 7 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 3 माइनस 13, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 गुना 54 और 3 त्रिका 9 सत्ते 63 और 9 त्रिक 27 माइनस 13, 27 और 54 को जोड़िए, 27 और 54 जोड़िए, प्लस के है ना, हाँ जोड़िए जल्दी से, 7 4 11 1 और 7 1 8 81 आ जाएगा, जोड़ लीजिए भाई, 7 4 11 1 बचा 5 2 7 7 1 8 और इसको इसमें इसको इसको जोड़िए तो कितना बन गया 76, घटा दीजिए वैल्यू कितनी आ गई 5, रिमाइंडर 5 निकल के बाहर आ गया। कर पाएंगे, कर लेंगे सर, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ सिंपली समझना है कि नहीं समझ में आ रहा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 4 क्वेश्चन अपने लगातार आपके कर दिए, चौथा क्वेश्चन है, नोट इट, 4 हमने देखो आपके सामने करके रखे हैं, समझने का प्रयत्न करिए, जहां ना समझ में बताइए आप हमें, जहां ना समझ में बोलिए कि हमको सर ये चीज नहीं समझ में आ रही, हम आगे बात करें फिर उसमें, है ना। हाँ चलो मिटाए इसको, बिल्कुल मिटाते हैं सर, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लिखा 5वां नंबर, ईएक्स इज इक्वल टू, ईएक्स क्या लिखा है, ex is equal to 3x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 एंड gx is equal to एंड gx is equal to x माइनस 2 दिया गया है, अच्छी बात है x माइनस 2, तो क्या करेंगे gx को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो this implies x minus 2 is equal to 0, तो this implies x is equal to कितना आ गया 2 आ गया, x is equal to कितना आ गया 2 आ गया। आइए सर put x is equal to 2 in px, कहाँ रखते हैं हम px में, तो जब यहां रखेंगे तो remainder remainder p2 बन जाएगा, x की जगह 2 रख दिया, 3 into 2 की पावर 4 minus 6 into 2 का स्क्वायर 8 into 2 माइनस 2, चलो कैलकुलेशन, 2 2 4 2 8 2 16 16 3 48 ये बन गया, देखो 2 4 बार गुना करोगे 2 का 2 2 4 2 8 2 16 16 3 16 3 48 यहाँ कितना 2 2 4 4 6 24 16 माइनस 2 जोड़िए जरा 24 और 16 24 6 30 30 10 40 40 2 42 48 माइनस 42 आ गया सर, वैल्यू कितनी दे जाएगा 6 दे जाएगा, देख लो चेक कर लो कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बोलते जाइए, कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो बोलते जाइए। ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ये 5th नंबर क्वेश्चन है सर आपका, दिस इज योर 5th नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है बढ़िया अच्छी बात, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, px इज इक्वल टू, px इज इक्वल टू 2x cube, px is equal to 2x cube minus 9x square plus x plus 15 minus 9x square plus x plus 15। छठा नंबर क्वेश्चन है 2x cube minus 9x square plus x plus 15 and gx is equal to क्या लिखा है, gx is equal to लिखा 2x plus 3, इस बार थोड़ा सा बदलाव आया है, 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डरे नहीं आराम से करें सब हो जाएंगे धीरे धीरे, एक एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं कहीं कोई दिक्कत ना हो, है ना। हाँ थोड़ा अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा चेक कर लीजिए, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, है ना, मान की गलतियाँ होती रहती हैं, तो जरूरी कि 100% सही ही हो सकता है, कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप देख लीजिएगा सही कर लीजिएगा, है ना, परेशान ना होइएगा, पैटर्न समझिए, है ना। हाँ चलिए सर, तो वही फिर प्रोसेस, जी एस को किसके बराबर करते हैं हम लोग, जी एस के बराबर, जी एस इक्वल टू जीरो करते हैं, तो 2x + 3 = 0 की है, तो
x इक्वल कितना है माइनस का 3 बाई 2 आ जाएगा सर। तो क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 इन px, कहां रखेंगे सर px। तो क्या बनेगा सर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू p माइनस 3 बाई 2, x की जगह जैसे रखें तो माइनस 3 बाई 2, p माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 का होल क्यूब, 9 इंटू माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 बाई 2 प्लस 15। चेक करिए, हमने ब्रैकेट लगा के लिखा बेटा, कि कभी भी कोई चीज निगेटिव हो तो हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करो ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना होने पाए। उधर माइनस 15 लिखा, लास्ट में दिख नहीं रहा शायद, नहीं लगता है। अच्छा उधर दिख ही नहीं रहा, काफी कुछ नहीं दिख रहा है ना। चलिए थोड़ा सा खिसका देते हैं, अब दिखा, अब दिख रहा होगा पूरा, हो सकता है पिछले क्वेश्चन में कहीं ना दिखा हो, तो आप आवाज को सुन करके समझ लीजिएगा। चलिए सर यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, दो ऐसे लिखा रहा, माइनस इसका क्यूब करेंगे तो माइनस 27 बटे 8 आ जाएगा। माइनस क्यों आया सर, माइनस का 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस आएगा, 2 बार मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा। माइनस 9 ऐसे लिखा रहा, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे 9 बटे 4 हो जाएगा। माइनस ये प्लस है, ये माइनस कर देगा 3 बटे 2, ये प्लस 15 ऐसे लिखा है। चलिए और कैलकुलेशन करते हैं सर, इससे काटेंगे, इसको काट कर जाएगा माइनस 27 बटे 4, ये कितना हो गया 81 बटे 4 माइनस 3 बटे 2 प्लस 15। देखिए जुड़ रहे हैं दोनों, दोनों निगेटिव साइन, दोनों कैंसिल से ही जुड़ गए, तो 4 एलसीएम आया और दोनों जुड़े तो ये कितना हो गया 7 एक 8, 8 आ गया और 8 2 10 हो गया। माइनस का 108 माइनस 3 बटे 2 प्लस 15, 4 से काट रहा है, हाँ कट रहा है सर, 4 दुनिया 8 की 2 और बचा 2, 4 सत्य 28 17 हो गए, 27 हो गए, माइनस 3 बटे 2 प्लस 15, ये प्लस का 15 और ये माइनस 27 आपस में घट गए, ये घट गए कितने बचे माइनस का 12, माइनस का 12 माइनस 3 बटे 2, एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आया, 2 एलसीएम आया, कितना एलसीएम आया 2, क्या वैल्यू देगा 12 दुनी 24, 24 ये माइनस 3 ये, तो माइनस 27 बटे 2 आंसर आ गया। ये आंसर आ गया, समझने का प्रयत्न कर लीजिए भैया, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 15, x के प्लेस पे देखें यहाँ से 2x प्लस 3 को 0 किया, x की वैल्यू 3 बाई 2 आई, 3 बाई 2 उठा क्या रखा तो माइनस 3 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 तीनों प्लेस पे रख दिया गया 15 से, माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर 3 का 9 27 और 2 दुनी 4 दुनी 8 27 बटे 8, 2 से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा, 3 का स्क्वायर 9 9 बटे 4 81 बटे 4 बन गया, ये माइनस प्लस करके ऐसे आगे कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया, कोशिश करिएगा प्रयास करिएगा आंसर मिल जाएंगे। आ जा रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 7th देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, 2C एक्सरसाइज चल रही सर, जिन्होंने लगा ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगाई और अच्छी बात है, लगाते जाइए क्योंकि अभी हम कॉपी चेक करेंगे, ठीक है ना। हाँ इसे कॉपी पे नोट जरूर करें, फेयर कॉपी क्लास वर्क की कॉपी पे सब काम होना चाहिए। 7th नंबर में लिखा हुआ है px is equal to, 7th नंबर में लिखा px is equal to x cube, px is equal to x cube minus 2x square minus 8x और minus 1 and gx is equal to x plus 1। सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, क्या लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं, तो जी एक्स इक्वल टू जीरो किया जाता है, बाय यहां लिख दिया, अगर चाहे तो लिख सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो पुट कर दीजिए कितना एक्स इक्वल टू माइनस वन इन पी एक्स, क्या वैल्यू आएगी p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का होल क्यूब, 2 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, 8 इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस वन का 3 बार गुणा माइनस वन, स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस वन, कैलकुलेशन स्टार्ट माइनस वन माइनस टू प्लस 8 माइनस वन, ये माइनस ये माइनस माइनस हो गया माइनस 4 प्लस 8, फाइनली वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4। ओनली रिमाइंडर थ्योरम का कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरह से इसको समझना है, ये आपको सिखाया जा रहा है, कुछ नहीं इसमें खास बात है, कुछ भी खास हो तो बताइए आपको, कि सर को ये समझ को नहीं समझ में आ पा रहा है या आप अलग चीज़ पढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग चीज़ पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल अलग नहीं, सब बिल्कुल एकदम अच्छी सी चीज़ है, सब आप जानते हैं सब आप समझते हैं,
है ना। हाँ नोट करते जाइए, विधिवत नोट करिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। चलिए एट्थ पे आते हैं। हम एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, कहीं आप छूटना नहीं चाहिए किसी का। एट्थ नंबर क्या कह रहा है? पी एक्स। एट्थ नंबर पी एक्स फिर दे दिया गया सर, ले लिया। पी एक्स क्या लिखा है? टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12। फिर से देख लेते हैं पास जाकर, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12। एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। जी एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा है? एक्स प्लस 2। चलिए सर वीर तुम बड़े चलो। हाँ सर ये बड़ी अच्छी कहानी, वीर तुम बड़े चलो। क्या लेंगे? लिख लेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम अपना पूरा अच्छे से। जी एक्स को किसके बराबर करते हैं सर? जीरो के बराबर करते हैं। इससे क्या है? एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स इक्वल टू कितना लिखना? माइनस 1 माइनस 2। तो पुट कर देंगे कितना? एक्स इक्वल टू माइनस 2 इन पी एक्स। कहाँ रखेंगे? पी एक्स में। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा रिमाइंडर? पी माइनस 2 बराबर 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 15 गुणे माइनस 2 और माइनस 12। माइनस 2 का क्यूब करेंगे, माइनस का क्यूब करेंगे माइनस 8 आएगा। माइनस का 3 बार मल्टीप्लिकेशन माइनस आया 8 हो गया। 2 बार माइनस का गुणा 4 आ गया। ये माइनस माइनस आगे निकलेगा प्लस हो जाएगा। 15 दूनी 30 माइनस 12 8 दूनी 16 माइनस का 16 प्लस 4 प्लस 30 माइनस 12। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। निगेटिव निगेटिव जो है 28 बने और ये 34 बने। टोटल कैलकुलेशन प्लस 6 देके निकल गया। कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान आसान से सवाल है। मुश्किल से एक 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 या डेढ़ मिनट में सवाल सॉल्व हो रहे हैं। एक या डेढ़ मिनट में एक सवाल लग रहा है। अगर आप भी ऐसे काम करें तो सब सवाल हो जाएंगे तुरंत, कहीं कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ना आपको करना ही नहीं है, है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर पूछ रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर दिक्कत होगी। फिर तो आपको एक्चुअल डिवीजन ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक्चुअल डिवीजन का ही सहारा लेंगे। हाँ चलिए सर ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट्थ, सेवेंथ के बाद एट्थ हो गया। नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइन्थ कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस पी एक्स कितना है? 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 3। 13x स्क्वायर प्लस 3 और जी एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा है? जी एक्स इज इक्वल टू लिखा है 3x प्लस 2। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्या लिखेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम जी एक्स इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना निकलेगा? माइनस का 2/3। पुट x इक्वल टू माइनस 2/3 इन px में रख दें, क्या वैल्यू निकलेगी? रिमाइंडर इज इक्वल टू पी माइनस 2/3 इज इक्वल टू 6 माइनस 2/3 का होल क्यूब। 6 इंटू माइनस 2/3 का होल क्यूब प्लस 13 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 3। चलो 6 ऐसे लिखा रहा, माइनस का 3 बार गुणा तो माइनस 8 हो गया और नीचे 27 आ गया। समझदारी दिखाइएगा जरा, 3 का क्यूब 27 और माइनस, समझ गए होंगे। यहाँ पे 13 ऐसे लिखा रहा, यहाँ पे 4/9 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3। कैलकुलेशन की तैयारी चल रही है सर, इसको इससे काटेंगे, कटेगा सर। कितनी बार? 3 यहाँ 9 यहाँ, तो 3 गुणे माइनस 8/9 हो जाएगा। किससे काटा हमने? 3 से काटा, 3 दूनी 6 2 बार काटा और 3 9 27 9 बार काटा, 3 से काट दिया। और ये 13 चौक 52 बटे 9 प्लस 3 यहाँ कितना आएगा? माइनस 18 माइनस 16 16/9 प्लस 52/9 प्लस 3। सब कैल्शियम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 9 माइनस का 16 प्लस का 52 और 9 3 27। अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। जोड़िए जरा, 16 में से 27, 27 में से 16 को घटाइए 11 बचेगा और 11 इसमें जोड़ेंगे तो 11 एक 52 एक 53 53 और एक 63 63/9। 3 से काटेंगे 21/3 और फिर 3 से काटेंगे 9 3 27 या 3 3 7 कैसे, यानी 9 9 7 63 सीधे काट सकते हैं, सीधे काट सकते थे इसको 9 7 63 9 से काट दीजिए पूरा पूरा आंसर आ गया। 7 सातवां क्वेश्चन आपको समझ में आने में कोई डाउट्स आउट नहीं होना चाहिए, है? सातवां नहीं था बेटा, ये नवा था गलती होगी, बोलने कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, आराम से चलते जाइए। 10वीं बार 9वीं बार 10वां नंबर क्वेश्चन, हमने एक एक सवाल बताना
उपयुक्त समझा कहीं आप गड़बड़ ना कर दें, इसलिए मैं एक सवाल को आपको बता रहे हैं। भले थोड़ा समय जरूर लग रहा है लेकिन सब चीज़ पूरी पूरी हो रही है, ये ना रह जाए कि सर हमारा ये रह गया था, है ना। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, Px इज इक्वल टू क्या लिखा है, x क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। चेक करो, Px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 एंड Gx इज इक्वल टू कितना दिया है, Gx इज इक्वल टू लिखा है 1 माइनस 3 बाय 2x। अच्छी बात, कोई बात नहीं, परेशानी कोई बात नहीं सर। तो यहां क्या है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम Gx किसके बराबर होगा, 0 के, 1 माइनस 3 बाय 2x इज इक्वल टू 0 के, तो 1 इज इक्वल टू 3 बाय 2x के, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर गया और 3 नीचे आ गया, 2 बाय 3। बात वही बनी है, फालतू बकवास करवा देते हैं ना। हाँ सर, तो क्या लिखेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू कितना 2 बाय 3 इन Px, Px के प्लेस पे रख दीजिए, p 2 बाय 3 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, 2 बाय 3 का होल क्यूब 6 × 2 बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 बाय 3 और माइनस 4। कैलकुलेशन 8/27 6 × 2/2 का स्क्वायर 4 4/9 और ये कितना 4/3 और ये कितना 4। कुछ कटेगा, हाँ सर कट रहा है, यहाँ देखिए कितने से कट रहा है, 2 से 2 3 6 3 6 3 9। जरा कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, 8/27 - 8/3 प्लस 4/3 - 4, ये दोनों घट जुड़ गए, 8/3 4/3 जुड़े घटेंगे कितना आएगा, 8/27 - 4/3, ये प्लस के माइनस के, प्लस वाले माइनस वाले जुड़ घट करके 4/3 दे के चले गए। अब एलसीएम ले लीजिए, 27 एलसीएम आ रहा है सर, यहाँ 8 आएगा, 3 3 9 27 9 4 36 36 यहाँ आ जाएगा और 27 × 4 4 × 28 = 8, 4 × 8 = 10, 108 108 और 36 जोड़िए उसमें 8 कम कर दीजिए, तो देखो सीधे सीधे ये देखो ये 108 और 8 को जोड़ा तो 100 माइनस का ये तो माइनस का 136 माइनस का 136/27 इसी से कट रहा है सर, किसी से नहीं कटता नजर आ रहा है, 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा सर, जब 3 से नहीं कट रहा तो 9 से कहाँ कटेगा, है ना। हाँ ये चीजें चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दसवां नंबर क्वेश्चन, टेंथ नंबर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंथ के बाद इलेवेंथ में परेशान ना हो, आराम से काम करिए। px = 2x³ + 3x² + 11x - 3 एंड gx इज इक्वल टू कितना गिवन है, और gx इज इक्वल टू लिखा x प्लस 1/2। देखिए सही है सर, तो gx इज इक्वल टू जब 0 करोगे x प्लस 1/2 = 0 तो x इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। पुट करो दोगे कहां पे, पुट x इक्वल टू -1/2 इन px, तो रिमाइंडर कितना निकल आएगा, p माइनस वन बाई टू। समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, रखिए जरा यहां एक्स लिखा हूं -1/2 रखे हैं, 2 - 1/2 का होली क्यूब प्लस 3 × -1/2 का होली स्क्वायर 11 × -1/2 - 3 क्या आएगा बेटा, 2 × -1/8 3 × -1/4 + 1/4 -1 + 11/2 - 3। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ये कट गया -1/4 + 3/4 + 11/2 - 3, ये और जो घट रहे हैं 4/4 वाले 4 एलसीएम आएगा, 3 में से 1 घटेगा 2/4 11/2 प्लस नहीं माइनस 3 ये भी 1/2 बन गया 11/2 - 3 2 एलसीएम आया 11 12 12/2 यानी 6 बन गया 6 - 3 = 3 देके निकल गया। चेक करिए सर आंसर 3 देके निकल गया, कुछ नहीं है बिल्कुल बेटा, आसानी से आप कर सकते हैं, स्थिति वाले सवाल हैं सर, है ना। हाँ चलिए अगला नंबर 12 नंबर
समझ में आ रहा होगा, प्रयास करिएगा, प्रयास करने से सफलता प्राप्त होती है। गलत ही सही, सही ही सही, सब कुछ करिए। क्या लिखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस है सॉरी माइनस ए। कुछ नहीं करना बेटा, जी एक्स इक्वल टू जीरो करो, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया, पुट कर दो इसमें, तो क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए। ये क्या वैल्यू आएगी, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए, ये कट गया, कितना आएगा, सिक्स ए में से ए घटेगा, फाइव ये आंसर कट कर जाएगा। समझ में आ गया होगा सर, तो हम लोग एक से बारह नंबर तक का कार्यक्रम कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग बाद में करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंप्लीट करिए 10-15 मिनट के अंदर, जो भी आप टाइम लीजिए, उसके बाद आप अपने यथावत स्थान पे आ जाइए, जूम पे आकर के अपनी कॉपी को चेक करवा दीजिए, कॉपी जरूर चेक कराइए, जो नहीं कराएगा उसके अटेंडेंस मार्क्स नहीं करेगी, मार्क नहीं की जाएगी। ओके, ठीक, थैंक यू।